और बड़ी खबर इस वक्त शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ से जुड़ी हुई है। विमान से सफर अब नहीं कर सकेंगे रविंद्र गायकवाड़ क्योंकि उनके विमान से सफर पर रोक लगा दी गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने ये रोक लगा दी। एयर इंडिया के स्टाफ को मारने पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद हैं रविंद्र गायकवाड़। एयर इंडिया के कर्मचारी की सैंडल से चप्पल से उन्होंने पिटाई की और बकायदा कैमरे के सामने शेखी बघाड़ते हुए उन्होंने ये कबूल भी किया और बिल्कुल भी मलाल या शर्मिंदगी उनके चेहरे पर नहीं थी अपनी इस हरकत को लेकर। अब आखिरकार चूंकि शिकायत की गई है और ये कार्रवाई की गई। प्रांजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता। प्रांजलि, एक ब्लैक लिस्ट किया गया एक तरह से, लेकिन जब इसी को लेकर सवाल भी किया गया था कल, तो वो बेखौफ होकर कह रहे थे कि जरा ब्लैक लिस्ट करके तो दिखाएं, वो तब भी देख लेंगे। तो अब क्या करेंगे सांसद महोदय? मकसूद, मुझे नहीं लगता है कि अब इनके पास में कोई ऑप्शन बचा होगा, क्योंकि जो वीडियो जो सामने आया, क्योंकि जो इन्होंने लेटर सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा स्पीकर को भी लिखा है, उसमें भी इन्होंने कहा है कि नहीं कि मेरे साथ में बदतमीजी की गई है। लेकिन वीडियो आने के बाद में जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया पूरे मामले को, आपको मैं बता दूं कि जो जिनको एयर इंडिया के जिस कर्मचारी को उन्होंने बहुत बुरे तरीके से पीटा था, वो खुद गए हैं कल डीजीसीए में जाकर के उन्होंने शिकायत दी है और मीडिया के सामने आप सुन भी रहे होंगे उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के पूरे मामले के बाद जब कोई एक कंक्लूजन निकाला गया, उसमें यही निकला है कि गलती जो थी वो तकरीबन इन्हीं की थी। ये वहां पर जिस एक हट्टी रवैये के साथ में ये जबरदस्ती जो प्लेन में घुसने की जो कोशिश कर रहे थे, मारपीट करने की कोशिश, यहाँ तक इन्होंने किया भी, इसके बाद में अभी अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। और मकसद, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि ये फैसला इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ठीक है एक एमपी की बात थी, इससे पहले भी कई बार बातों को दबा दिया गया था, ये फैसला इतना आसान नहीं था। लेकिन टॉप लेवल पे इसमें उड्डयन मंत्रालय की पूरी सहमति है और हर किसी की सहमति से इस डिसीजन पर पहुंचा गया है कि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए हर तरफ से। और ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सीख है, जो वीवीआईपी जो कल्चर है उसको लेकर के एक बहुत बड़ी सीख है ये। बहुत शुक्रिया प्रांजलि तमाम जानकारी के लिए।